हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है आज की, वो है भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयर फोर्स की तरफ से। तो यहाँ पे जो एफकैट 2 2020 की यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दी गई, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन काफी बड़ी है, तो इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी वो मैं पूरा का पूरा यहाँ पे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो लास्ट तक वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड कर लिया, जो कि भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। अब एफकैट 2 2020 ठीक है, फॉर फ्लाइंग ब्रांच एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेज के लिए है, या फिर एनसीसी स्पेशल एंट्री और मेट्रोलॉजी एंट्री के लिए है। अब इसकी बात करें कि जो कोर्स कमेंसिंग होगा वो जुलाई 2021 के लिए है। उसके बाद डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की दी हुई कि 15 जून 2020 से लेकर के आप 14 जुलाई 2020 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस डेट को ध्यान में रखें। आगे बात कर लें इसमें कि इसका वेबसाइट जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि कैरियर इंडिया जो है airforce.cadac.in, या फिर इस वेबसाइट पे आप ये चेक कर सकते हैं। आगे इसमें देख लें कि इसका जो एग्जाम डेट रखा गया है वो 19 सितंबर को और 20 सितंबर 2020 को एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे ऑनलाइन मोड में। आगे इसमें जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से एंट्री है, वो सारे के सारे डिस्कस करें। तो अगर आप एफकैट एंट्री की बात करें तो ब्रांच है इसमें फ्लाइंग, उसके बाद ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, तो इसमें पीसी यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पीसी और एसएससी क्या होता है। तो आपको एक बार मैं बता दूँ कि टाइप्स ऑफ कमीशन होता है। पीसी मतलब होता है आपका परमानेंट कमीशन ठीक है, और शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है आपका एसएससी। अब पीसी का मतलब होता है कि आपको जितनी भी अपर एज है, सुप्रीम एज जो भी आपका अपर एज है, उस एज तक आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं ठीक है। बाकी शॉर्ट सर्विस कमीशन में जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि द एंगेजमेंट पीरियड ऑफ फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो है मेन एंड वुमेन केवल और केवल 14 ईयर्स तक यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। ये नॉट एक्सटेंसिबल, एक्सटेंड नहीं किया जाएगा इससे ज्यादा। उसके बाद यहाँ पे बोला जाए कि ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल की बात करें तो एसएससी में जो है 10 साल रहेगा, बाकी ये 4 साल आपका एक्सटेंड कर दिया जाएगा। जैसे कि देखा जाएगा कि सर्विस की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद जो है वैकेंसी अवेलेबल है, तो इसके अनुसार आपका क्या होगा, 4 साल इंगेज कर दिया जाएगा। तो ये आप इसका मतलब समझ चुके हैं। अब चलिए आगे देख लेते हैं इसमें डिफरेंट जानकारियां और क्या क्या दी हुई है। कोर्स नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी वैकेंसी आप देख सकते हैं एसएससी में 74 है। उसके बाद यहाँ पे चेक कर लें तो यहाँ पे वैकेंसी दिया हुआ है। बाकी आगे बात कर लेते हैं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल का भी दिया हुआ है, सारा डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एनसीसी स्पेशल एंट्री की बात करें फ्लाइंग में तो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है डिटेल, और मेट्रोलॉजी एंट्री की बात करें तो यहाँ पे भी पीसी और एसएससी में वैकेंसी दिया हुआ है। तो देखिए आप ऊपर देख सकते हैं 50 पेज का नोटिफिकेशन है, तो यहाँ पे मेन मेन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। बाकी आप इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके पूरा पढ़ लीजिएगा अच्छे से अप्लाई करने से पहले। तो आगे हम बात कर लेते हैं इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो आपका इंडियन नेशनलिटी होना अनिवार्य है। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच थ्रू एफकैट एंड एनसीसी स्पेशल एंट्री की बात करें तो उसमें 20 से 24 साल आपका एज होना चाहिए, जो कि 1 जुलाई 2021 के अनुसार काउंट किया जाएगा। अब आपका बॉर्न होना चाहिए किसमें, तो 2 जुलाई 1997 से लेकर के 1 जुलाई 2001 के बीच में, और ये दोनों डेट इंक्लूड है, यानी कि आप 2 जुलाई 1997 को जो है डेट ऑफ बर्थ है तो भी इंक्लूड है, और 1 जुलाई 2001 को है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस अगर आपके पास है डीजीसीए इंडिया की तरफ से जो है जारी किया गया आपके पास, तो आप जो है इसमें एज में छूट मिल जाएगा, 26 ईयर तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उस कंडीशन में आपका एज लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड जो है नॉन टेक्निकल ब्रांच की बात करें तो 20 से 26 साल आपका एज मिल जाएगा इसमें, जो है 2 जुलाई 1995 से लेकर के 1 जुलाई 2001 तक यहाँ पे एज लिमिट दिया हुआ है, 1 जुलाई 2021 के अनुसार काउंट किया जाएगा। मार्टल स्टेटस की बात करें तो बोला कि कैंडिडेट बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज मस्ट बी अनमैरिड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ठीक है, ऑफ कोर्स यानी कि 25 साल से कम उम्र में आप जो है यहाँ पे शादीशुदा नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी आप यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए अपने अनुसार से एक बार। मेन मेन पॉइंट जो है मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। बात कर लेते हैं आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो फ्लाइंग ब्रांच की बात करें तो कैंडिडेट शुड हैव मैंडेटरी पास्ट विद मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन ईच मैथ एंड फिजिक्स 10+2 लेवल, यानी 10+2 में आपका मैथ्स में भी 50% मार्क्स होना चाहिए, फिजिक्स में भी 50% मार्क्स होना चाहिए ठीक है, एंड साथ में एंड लगा हुआ है, यानी इस तीनों में से कोई एक कंडीशन उसके बाद फॉलो होना चाहिए। तो बोला जाए कि ग्रेजुएशन विद मिनिमम 3 साल का आपका डिग्री होना चाहिए, कोर्स इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी तो आपने बी बीटेक कर रखा है 60% मार्क्स के साथ, तो अप्लाई कर सकते हैं, और या नहीं तो आपको ये भी दिया कि कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग
यानी तो एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्लाइंग ब्रांच के लिए दिया हुआ है। बात कर लेते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया। तो यहाँ पे दिया जा रहा है कि जो कैंडिडेट है विद मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स मैथ्स में 10+2 लेवल पे, एंड अ मिनिमम ऑफ 4 ईयर्स का डिग्री होना चाहिए ग्रेजुएशन का, या फिर आपने इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन किया है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। या नहीं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और भी सारी चीजें दी हुई, 60% आपके मार्क्स होने चाहिए उसमें। बाकी डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इक्विवेलेंट इसमें किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ सारे ब्रांचेस दिए हुए हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल में भी सेम आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीज दी हुई है तो इसको एक बार डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिए। नॉन टेक्निकल ब्रांच की बात करें एडमिनिस्ट्रेशन में, तो पास्ट 10+2 आपका होना चाहिए और ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए मिनिमम 3 ईयर्स का, ठीक है, इन एनी डिसिप्लिन, और 60% आपके मिनिमम मार्क्स उसमें होने चाहिए। एजुकेशन की बात करते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, आप एक बार चेक कर लिए। मेट्रोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे जो है आपका बोला जा रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए किसी भी साइंस स्ट्रीम में, या मैथमेटिक्स में, या स्टैटिक्स में, या फिर ज्योग्राफी, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, या नहीं तो एनवायरमेंटल साइंस या अप्लाइड फिजिक्स में। तो काफी सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। और मिनिमम 50% मार्क्स आपके होना चाहिए, ठीक है, ऑल पेपर्स में पुट टुगेदर, साथ में जब हम सबको कंबाइंड करेंगे तो ओवरऑल आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। आगे यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सारी चीज दी हुई है किस तरह से आपका जो है यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, फिजिकल स्टैंडर्ड, इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाएगा, वो भी आप पूरा का पूरा चेक कर सकते हैं। किस तरह से आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, इस दोनों ही लिंक पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आगे देख लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है आप चेक कर सकते हैं, किस तरह से यहाँ पे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है आपका। कर लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फी आपको कितना लगेगा, तो 250 रुपीज यहाँ पे जो है आपको एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा। आगे इसमें हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे डिटेल आपको दिए हुए हैं कि क्या क्या डिटेल चाहिए आपको यहाँ फॉर्म फिल करने के लिए। तो देख सकते हैं साइन अप फॉर्मेट के लिए फुल नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब 10th के मैट्रिकुलेशन के जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, उसके अनुसार यहाँ पे फिल करने हैं। बाकी सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है, आप चेक कर लीजिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये सब कुछ आप यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, इसको डाउनलोड करके। तो काफी बड़ा नोटिफिकेशन दिया है, चलिए और देख लेते हैं इसमें कि और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है इसका, कि स्कीम ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्या है। तो एग्जाम जो है आपका 19 सितंबर और 20 सितंबर को यहाँ पे लिया जाएगा, तो आप किसी भी 2 दिन में आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ कि इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच टू अपीयर इन बोथ एफकैट एज वेल एज इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट ईकेटी, दोनों में आपको अपीयर होना आवश्यक है अगर आप इस चीज में अप्लाई कर रहे हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में। तो देख लीजिए आगे इसमें जो भी दिया हुआ है कि आपका एग्जाम का शेड्यूल क्या रहने वाला है, जो फर्स्ट शिफ्ट का कब से स्टार्ट होगा, आपको रिपोर्टिंग कब करना है, वो सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। कर लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस की बात करें, तो अगर एफकैट की बात करें, तो यहाँ पे सब्जेक्ट देख सकते हैं, जनरल अवेयरनेस है, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा आपसे। ड्यूरेशन 2 घंटे का, 100 नंबर क्वेश्चन और 300 मार्क्स यहाँ पे पेपर हो। ईकेटी के लिए देखें तो यहाँ पे मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 45 मिनट का पेपर होगा आपका, और यहाँ पे जो है 50 जो है यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, और यहाँ पे जो है 150 मार्क्स के यहाँ पे पेपर लिए जाएंगे एग्जाम के। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर के पूछे जाएंगे और गलत आंसर के लिए आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। और यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं कि इंग्लिश में क्या पूछा है, जनरल अवेयरनेस में आपका कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी का, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट का यहाँ पे सारा चीज दिया है। प्रैक्टिस टेस्ट के लिए भी आप इसके वेबसाइट पे जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे बोला जाएगा ट्रैवल अलाउंस आपको दिया जाएगा, जो आपका AC 3 टीयर या फिर AC 4 कार या फिर एक्चुअल नॉर्मल बस फेयर जो भी होगा आपका खर्चा, वो यहाँ पे किया जाएगा इनके द्वारा। जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा एफकैट का, उसमें जब आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप जो है गेन कर लेंगे, उसके बाद आपका एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड AFSB का टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें आपका फिजिकल फिटनेस देखा जाएगा, टैटूज देखा जाएगा, नार्कोटिक्स टेस्ट लिया जाएगा, बाकी यहाँ पे सारी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि इसका जो मेरिट लिस्ट है वो किस तरह से आपका तैयार किया जाएगा। यहाँ पे दिया कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, टू बी एक्सेप्टेबल कैंडिडेट शुड बी सिक्योर द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेपरेटली इन रिटन एग्जामिनेशन एंड AFSB टेस्ट एज फिक्स्ड बाय द IAF, ठीक है। तो यहाँ पे उसके अनुसार आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। बाकी ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि डेट और ड्यूरेशन कितने दिन का आपका ट्रेनिंग होगा। तो आपका ट्रेनिंग जो है अप्रॉक्सीमेटली ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग फॉर फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी के लिए टेक्निकल के लिए जो आपका 74 वीक्स का होगा, और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए 52 वीक्स का होगा, ठीक है। फिजिकल कंडीशन यहाँ पे सारी चीज दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं रनिंग, स्कीपिंग,
पुशअप्स कितने करने हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो 50 पेज का है तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों जितने भी जो है इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।